भक्तों, आइए ऐसी ही एक और कथा श्री नगीनदास मोतीलाल की सुने। बाबा की एक पत्रिका छपती थी साई लीला, उसके अंक 11 में कुछ कठिनाइयां हुई, अतः वे थाना के नगीनदास मोतीलाल जी के पास उनके बंगले पर गए। नगीनदास सबसे प्रेम करने वाले एक समृद्ध व्यक्ति थे। उनके वहां जाने का कारण था उनसे ये पूछना कि क्या उनके पास कुछ लीलाएं सुनाने हेतु हैं, ताकि वे महाराज के अनुभव के भाग में छापी जा सकें। तब उन्होंने कुछ लीलाएं सुनाई। उनके पिता की एक बार शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी, परंतु यह फलीभूत न हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन उन्होंने नगीन दास को बुलाया और बोले, मैं बाबा के चरणों की शरण में आश्रय पाने की अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया, परंतु मैं शुद्ध हृदय से उम्मीद करता हूं कि तुम जाकर बाबा से मिलोगे। नगीन दास ने बाबा की अद्भुत लीलाएं सुनी, परंतु शिरडी यात्रा करने में उन्हें बहुत समय लग गया। एक दिन उनके सुनने में आया कि उनके दो वकील मित्र शिरडी जा रहे थे। वे थे मुंबई के शिंदे और थाने के गंगादास। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे उनके साथ जा सकते हैं, और वे तत्काल मान गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि वे कौन सी रेलगाड़ी द्वारा जाएंगे और उसके सभी प्रबंध किए, परंतु उसी दौरान उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। रात होते होते उन्हें उनके साथ जाने की अप्रतिहत इच्छा जागृत हुई, क्योंकि वे जानते थे कि वे लोग किस रेलगाड़ी द्वारा जाने वाले थे। वे ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गए और उनसे जाकर मिले। फिर तीनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। शिरडी पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि इतनी दूर से आने पर उन्हें 15 रुपये दक्षिणा देनी चाहिए। उन्होंने अर्पण करने की राशि के बारे में अपने मित्रों से सलाह ली। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, 1 रुपया। नगीन दास को लगा कि केवल 1 रुपया अर्पण करना उचित नहीं था, क्योंकि वे तीनों एक साथ आए थे। उन्हें लगा कि अकेले वे ही केवल 15 रुपये अर्पण नहीं कर सकते थे। वे दुविधा में थे। उन्होंने इसका हल ये निकाला कि वे दक्षिणा के लिए अपने साथ 5 रुपये ले जाएंगे, परंतु उनका मन तो 15 रुपये देने का ही था। तीनों एक साथ दर्शनार्थ गए और बाबा के समक्ष खड़े हो गए। नगीन दास की ओर देख बाबा बोले, वो वृद्ध आदमी यहां नहीं आ पाया, ठीक है ना? यह अच्छा है कि उसका पुत्र आ गया है। उन्होंने बाबा की चरण वंदना की और दक्षिणार्पण की। उन दोनों ने 1-1 रुपया दिया, जबकि नगीन दास ने 5 रुपये दिए। बाबा नगीन दास की ओर देखकर बोले, और दक्षिणा दो, जो तुमने मन में फैसला किया वही दो, बस मुझे उतना ही दो। उसने सहर्ष उत्तर दिया कि वो वाड़े में जाकर दक्षिणा भिजवा देगा। नगीन दास पहले ही 5 रुपये अर्पण कर चुके थे, अतः अब 10 रुपये शेष थे। परंतु क्योंकि वो 10 अंक था और 10 अंक देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें शून्य होता है, अतः उन्होंने 11 रुपये भेज दिए। ये देखकर महाराज बोले, वही दो जो तुम्हारे मन में था, ज्यादा क्यों देना? बाबा ने 10 रुपये रख लिए और 1 रुपया लौटा दिया। ये रुपया नगीन दास ने संभाल कर रखा। देखा भक्तों, बाबा ने किस चमत्कारिक ढंग से भक्तों का जीवन सफल किया और अपना प्रिय 9 अंक उनके जीवन में कितनी सरलता से उतार दिया। हम लोगों को भी अपने जीवन में बाबा की इस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए और इसे जीवन भर याद रखना चाहिए। तो आइए भक्तों, सब मिलकर के बाबा का नाम स्मरण करें। ओम साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ॐ साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ॐ साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः।
जय जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो